हेलो गाइस, वेलकम टू द इन्फॉर्मेटिव व्हील्स। आज हम बैठे हैं एलिवेट के वी वेरिएंट में, जो कि है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो डिस्कस करेंगे आज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जो आप सामने देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से दिखता है जो होंडा एलिवेट का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वी वेरिएंट का। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आपका जो आरपीएम मीटर है, राइट साइड आपका स्पीडोमीटर है। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर टोटल किलोमीटर्स अभी तक गाड़ी कितनी चल चुकी है, ट्रिप ए वगैरह है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव एवरेज मीटर है, यहाँ आउटसाइड टेम्परेचर है, इंजन फ्यूल लेवल है, और ये रिजर्व का लाइट, ये हैंड ब्रेक, ये अगर आपका बैटरी वगैरह कुछ डाउन होता है, बैटरी में इशू होता है तो ये लाइट आपका जो है वो चालू रहेगा। ये इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल का अगर कुछ लेवल अप या डाउन रहता है, अगर लो होता है तो तुरंत ये लाइट आपका ये चालू रहेगा। और ये अभी हम फिलहाल इग्निशन मोड पे उसका लाइट है। स्टीयरिंग में अगर कोई भी इश्यूज रहते हैं स्टीयरिंग में अगर कुछ भी इश्यूज रहते हैं तो आपका ये वाला लैंप जो है वो चालू के चालू रहेगा। आपको इतना ध्यान रखना है, आप जब भी गाड़ी चालू करें, खाली यही गाड़ी नहीं और भी कोई भी गाड़ी अगर आप चालू रखते हो तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सारे जो आपके वार्निंग लैंप्स है वो चले जाने चाहिए। अगर कोई भी वार्निंग लैंप्स आपका चल रहा है, इसका मतलब आपके गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर स्लो कर सकते हो। ये देखिए, आपको खाली यहाँ प्रेस करना है, यहाँ से आप उसको जो है इसकी इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस आप उसको यहाँ से बढ़ा सकते हो। ये देखिए, ये ट्रिप वगैरह है, आप अगर ट्रिप, जैसे मैं सेकंड दबा के रखता हूँ तो देखिए ट्रिप जीरो हो गया। ये रेंज वगैरह है, गाड़ी कितने किलोमीटर और चलेगी वो आपको यहाँ पर शो ऑफ हो जाएगा। ये आपका एवरेज जो आप जा रहे हो ट्रिप ए से कोई ट्रिप बी तक, तो आपका कितना एवरेज है वो यहाँ पर आपका नोट डाउन हो जाएगा। ये देखिए, ये ट्रिप बी, ये क्लॉक एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिक सा क्लस्टर है पर इन्फॉर्मेटिव क्लस्टर है। आपको जो बेसिक डिटेल्स वगैरह चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसमें कोई इशू या वो नहीं रहेगा। ये देखिए, ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। इसमें आपका वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, सोर्स, ट्रैक चेंज, यहाँ से आप कॉल जो है उठा सकते हो, यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर वॉइस कमांड वगैरह का है, इसी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये आप गियर नॉब देख सकते हो उसका। वी वेरिएंट की कुछ इस तरह से आएगी। अगर सीवीटी होता तो यहाँ पर आपको एक और होल्ड बटन आता जिससे आप जैसे 2 सेकेंड दबा के रखते हो तो गाड़ी आप उसको रिमोटली चालू कर सकते हो। ये देखिए, कुछ इंटीरियर इस तरह से दिख रहा है इसका। इसमें आपको जो है ऑटो फोल्डेबल मिरर्स नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मिरर्स नहीं आएंगे। इसमें आपको खाली जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, एल आर लेफ्ट एंड राइट, यहाँ से आप उसका जो जॉयस्टिक जैसा है तो उससे आप अप डाउन उसको यहाँ से कर सकते हो। ये ऑल डोर्स लॉक, ऑल डोर्स अनलॉक, पावर विंडो लॉक, पावर विंडो स्विचेस, फील प्रीमियम है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे दिया, आप यहां से ऑन ऑफ उसको कर सकते हो, हेडलाइट लेवल एडजस्टर दे दिया गया है। ये देखिए, कुछ ओवरऑल डैशबोर्ड इस तरह से उसका लुक। इस इवेंट्स वगैरह सो आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।